मेरठ केंद्र के पशुपालन मंत्री संजीव बालियान की एक सभा थी, उन्होंने कहा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आरक्षण मिल जाए तो वह जेएनयू और जामिया का इलाज कर देंगे। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें कैंपस में चाय पर चर्चा का न्योता भेज दिया। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसमें तो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लड़ रहे हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। जेएनयू जामिया के एमफिल पीएचडी वालों के बारे में भारत के पशुपालन राज्य मंत्री के ये उच्च विचार आपने सुने होंगे, बहुत जोश में थे। जाटों को तो आरक्षण दिला नहीं पाए, लेकिन जानवरों के इलाज के डिग्रीधारी मंत्री छात्रों का इलाज करने के लिए आरक्षण मांग रहे। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनकी नफरतों पर मोहब्बत का पैगाम भेजा है। कभी चाय पर कैंपस आइए, दो घड़ी बैठिए, ऐसी भी क्या हिकारत पढ़े लिखे लोगों से। अगर वो नफरत बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आइए, एक चाय पे मैं कहता हूँ कि एक चाय पर बैठ करके पियेंगे और इतनी मोहब्बत आप लेकर के जाएंगे कि फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी नागरिकता कानून का लगातार विरोध हो रहा है, अलग अलग तरह से। मास कम्युनिकेशन के छात्र काले कपड़ों में क्लास करने पहुंचे, चेहरे पर तिरंगा बनाकर, तो बाबे सैयद गेट पर नुक्कड़ नाटक खेला जा रहा था कि कैसे पुलिस कैंपस में घुसी और छात्रों पर जुल्म ढाया। बात जो फैली कानो कानो जामिया भी साथ में आई, बात जो फैली कानो कानो जामिया भी साथ में आई। पिछले दो महीने से जो चली आ रही है एक्टिविटीज, उनको हमने एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाया था, जैसे कि पहले बिल का पास होना, फिर उसका लोगों पर अपोज, फिर हमारे जो वाइस चांसलर है उनका एक्शन इस पर, जो भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया है, जेएनयू है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज पर जो भी हुआ है, जैसे भी एक्शन हुआ है, जितना भी लोगों को मारा गया है, मूवमेंट चल गया है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस शो करने का, अपना डिसेंट शो करने का तरीका है वो पीसफुल है, चाहे वो गजलें गाकर हो और नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो और पेंटिंग्स बनाकर हो। इधर दिल्ली के शाहीन बाग में लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। बीजेपी के नेता प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग उठने को राजी नहीं। ये जिस चीज से आजादी मांगते, अगर भारत से आजादी मांगते तो मैं, हम सब मिलकर मोदी साहब को विनती कर रहे हैं, रात तो पूरी सकते, ये सीमाएं थोड़े दिन खुली कर दो, जिसको आजादी चाहिए वो जहां जाना है वो चले जाए। किसी को बांध के पकड़ के तो नहीं रखा है, वो हमारे गले में बैठ पे, इसको जिधर जाना है जा सकते, तो भाई जाओ ना, क्यों हमारे को परेशान करते, तुम भी छूटे हम भी छूटे। नागरिकता कानून पर दोनों तरफ से ठनी हुई है, कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है और अब इसकी सियासत सीधे सीधे दिल्ली के चुनाव से जुड़ गई है। पाकिस्तान और जिन्ना को राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये नागरिकता कानून के बहाने चुनावी ध्रुवीकरण की चाल है? बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये इशारा क्या कहता है? आखिर क्यों विकास की रट लगाती हुई बीजेपी देश को राम, पाकिस्तान और मुसलमान से बाहर नहीं निकलने देना चाहती? क्या बीजेपी के पास विकास के मुद्दे का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास गिरती अर्थव्यवस्था का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास भयानक बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास उद्योगों की दुर्दशा का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास कारोबार की दुर्दशा का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास खेती किसानी की दुर्दशा का जवाब नहीं? अगर संजीव बालियान से लेकर नितिन पटेल और अमित शाह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक न रोजगार की बात कर रहे हैं, न महंगाई की, न भ्रष्टाचार की, तो कारण क्या है? आज तक ब्यूरो।